गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? बच्चों आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 4 का चैप्टर 10, हेलन केलर। ये बच्चों आपका लास्ट चैप्टर है, आगे हम उसका एग्ज़ाम का रिवीजन देखेंगे। तो मैं आपको एग्ज़ाम की वर्कशीट समझाऊंगी। ओके बच्चों, तो ये अभी आज पार्ट 2 हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं हेलन केलर उसका वो पार्ट 2। तो उसमें बच्चों है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, सेड हेलन्स मदर। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलन? तो हेलन बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ ड्यू टू हर इलनेस एंड फेवर। कि वो हेलन वो कैसी थी? वो अंधी थी। ब्लाइंड का मतलब क्या है बच्चों? अंधा। और डेफ मतलब वो सुन भी नहीं पा रही थी, और वो अंधी थी और वो सुन नहीं पा रही थी उसकी वो बीमारी की वजह से। दैट इज़ वाई हर मदर सेड समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो उसको वो इसकी मम्मी को पता चला कि कुछ गलत हो रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, ऑल दो हेलन कुड नॉट हीयर एंड सी। वॉट काइंड ऑफ गर्ल वॉज? वो कैसी लड़की थी? तो हेलन कुड नॉट हीयर एंड सी, बट शी वॉज अ ब्राइट एंड स्मार्ट चाइल्ड। लेकिन वो बहुत ही ब्राइट मतलब एक वो होशियार और वो बहुत ही एक स्मार्ट लड़की थी। हु एग्रीड टू हेल्प हेलन? मिस सुलिवान अग्रीड टू हेल्प हेलन, कि मिस सुलिवान वो हेलन की हेल्प करने में अग्रीड हो गए। अग्रीड मतलब वो सम्मत हो गए। हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन? मिस सुलिवान ने हेलन की हेल्प कैसे की? तो मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। सी स्पेल्ड डॉल एंड रॉट द वर्ड ऑन हेलन्स हैंड बाय हर फिंगर्स। इन दिस वे शी टॉट हर द साइन लैंग्वेज टू लर्न द वर्ड। तो साइन लैंग्वेज का मतलब क्या है बच्चों? की जो कुछ बोल नहीं पाते हो, कुछ सुन नहीं पाते, वो अपनी उंगलियों के इशारों से वो स्प्लैट कोई वो जो स्पेलिंग होता है उसको स्प्लिट करता है और वो वर्ड्स को समझाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर? व्हेन द टीचर पुट हेलन्स हैंड इनटू रनिंग वाटर शी लर्न द न्यू वर्ड वाटर। शी ऑल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वाटर एज शी फाउंड इट वेट एंड रनिंग डाउन हैंड व्हेन शी टच्ड इट। आगे देखते हैं बच्चों के अभी आगे क्वेश्चन 6 है। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड? कि हेलन लास्ट में कौन सा वर्ड सीखी? तो फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। शी कैन नो एवरीथिंग थ्रू वर्ड्स, कि वो वर्ड्स के बारे में सब कुछ जान गई थी। ओके आगे एक्सरसाइज देखते हैं कि हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी एंड रीड? के ऐसे कौन से पीपल है कि जो बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते? द पीपल हु कैन नॉट सी एंड रीड दे स्टडी थ्रू स्पेशल बुक्स रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेली। ऐसी बुक्स आती है कि जिसको ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम ब्रेली लैंग्वेज बोलते हैं। ब्रेली का मतलब क्या है बच्चों? की जो बच्चे देख नहीं पाते, जो पढ़ नहीं पाते, उसके लिए एक बुक आती है। दे टच द स्क्रिप्ट एंड दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट। वो उसके जो वर्ड्स को टच करते हैं और वो उसके जो स्क्रिप्ट होती है वो टच करके वो उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं और वो ऐसी वो बुक लिखी जाती है। राइट बच्चों आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट फॉर द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड? जो बच्चे ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जिसमें बच्चे वो देख नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ब्रेली। हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी? तो आप क्या सोच रहे हो कि ऐसे बच्चों को हमें कैसे हेल्प करनी चाहिए? तो आई वुड टू गिफ्ट ब्रेली बुक्स, कि हम ऐसे बच्चों को ऐसी बुक्स देनी चाहिए जिसका नाम है ब्रेली। अब हम अभी आगे देखते हैं बच्चों, मैच द कॉलम, कि कॉलम ए और कॉलम बी है उसमें क्या है? उसमें है कि हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। राइट, तो ये हम इसमें क्या करना है हमें? तो इसमें करना है कि मैच टू पार्ट सेंटेंस गिवन अंडर ए अभी बट टू जॉइन टू पार्ट्स राइट कंप्लीट सेंटेंस। इसमें हमें बट लगाना है। तो उसमें फर्स्ट आंसर आएगा कि हेलन लिव्ड आफ्टर इलनेस बिकॉज आफ्टर इलनेस बट शी कुड नॉट हीयर और सी। शी कुड नॉट सी और हीयर बट शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि वो देख नहीं पाती थी और सुन नहीं पाती थी लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी।
पीपल थॉट डैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न. हेलन कॉपीड द वर्ड बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग. मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक बट शी वॉज काइंड टू हेलन. कि मिस सुलिवन स्ट्रिक थी लेकिन वो हेलन के लिए बहुत ही वो दयालु थी. ओके बच्चों, तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ये आपको सिर्फ ये इस क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने के, और ये अभी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बच्चों. अब आपकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो अभी आपका एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो आएगा, तो वो आपका वर्कशीट रिवीजन आपको अच्छी तरह से वो मैं सिखाऊंगी, उसमें आपको ध्यान देना है, और फिर आपको एग्ज़ाम का एग्ज़ाम के पेपर ऐसे देने के. तो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय बाय.